आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह से रोटी के साथ खाने वाली ड्राई मसाला चिकन। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 kg चिकन लिए हैं, इसे अच्छी तरह से धोकर रख लिए हैं। इधर कढ़ाई को गर्म किए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटी चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड अदरक लहसुन पेस्ट को भून लिए हैं। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चिकन को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच चिकन मसाला, नमक 1 चम्मच। सभी को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। एक चौथाई चम्मच भुने हुए जीरा और काली मिर्च का पाउडर, इसे मिलाते हुए चिकन को 2 से 3 मिनट भुनना है। फ्लेम को मीडियम रखते हैं। तीन मिनट चिकन को भून लिए हैं। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट पकाना है। चिकन को 5 मिनट ढककर पका लिए हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। सभी चिकन को निकाल लिए हैं। अब इस पैन में फिर से 1 बड़ा चम्मच तेल डालना है। अब इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 सेकंड सभी को भून लिए हैं। तो अब इसमें जाएगा 5 से 6 स्लाइस किए हुए प्याज, 2 से 3 मिनट इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए प्याज को भूनेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक।
प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होते ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तीस सेकेंड अदरक लहसुन पेस्ट को भून लिए हैं, इसका कच्चापन जा चुका है, तो अब इसमें डालेंगे कुछ सूखा मसाला, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सभी मसाला को मिलाते हुए 2 मिनट भूनना है। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। दो मिनट सभी मसाला को भून लिए हैं, तो अब इसमें जाएगा 2 से 3 टमाटर का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। टमाटर पेस्ट को मिला लिए हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह भूनना है, सभी मसाला को अच्छी तरह से भून जाने तक। सभी कुछ अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला को मिलाते हुए 1 मिनट भून लेंगे। अब इसमें जाएगा फ्राई किए हुए चिकन। फिर से नमक डालेंगे 1 चम्मच। नमक को अच्छी तरह से मिला लिए हैं, तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। इसे भी अच्छी तरह से मिलाते हुए 30 सेकंड भूनना है। थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती,
हरी धनिया पत्ती डालकर अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट पकाएंगे। फ्लेम को लो रखना है। ये चिकन बनके तैयार हो चुका है। अब इसे सर्व कर लेती हूँ। ये ड्राई मसाला चिकन बनके तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।